कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस को किया थाने में नजरबंद। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का किया था ऐलान। कांग्रेस के धीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर एवं पार्षद अनार सिंह यादव के साथ कई कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। आम आदमी पार्टी के संजय दुबे, जयेंद्र सोमवंशी, भारत सोलंकी सहित अनेक कार्यकर्ता हुए नजरबंद। सेवड़ा प्रवास पर आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने की साजिश रच रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में नजरबंद कर दिया है। पुलिस द्वारा कांग्रेस के नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर, अनार सिंह यादव, नीरज राठौर, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी, अक्रम नगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस, राहुल वंशकार जिला उपाध्यक्ष, छोटू खान, नितिन गुप्ता आदि कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर काले झंडे दिखाने जाते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव जयेंद्र सिंह सोमवंशी, आप नेता संजय दुबे, छोटू तिवारी, कृष्णकांत रावत को आदि कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इंदरगढ़ थाने में नजरबंद कर दिया है। संजय दुबे ने कहा कि आम आदमी पार्टी से डर कर शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए घबराकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब जनता बीजेपी सरकार की तानाशाही से डरने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट।